हेलो गाइस, माय नेम इज़ मल्लिका एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मेहता वॉइस। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। तो आज हम बात करेंगे एक जॉब वैकेंसी की जो कि है वर्क फ्रॉम ऑफिस, बट काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका डाइवर्सिटी है इन एस्पेक्ट ऑफ सिटीज़। काफ़ी सिटीज़ में निकली हैं तो वो मैं आपको बता दूंगी, एंड जिनको भी टीचिंग का प्रोफेशन है उनके लिए ये बेस्ट है। आजकल हम टीचिंग की जॉब ज़्यादा ला रहे हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है बच्चों का 10th का सेशन ख़त्म हुआ है, 11th 12th शुरू हुआ है, जेई नीट का जो प्रिपरेशन है वो अभी उनका गियर अप होगा। तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक बेस्ट टीचर्स चाहिए होंगे प्रिपरेशन गियर अप करने के लिए। तो हर साल इस टाइम पे वैकेंसीज टीचर्स की बम्पर निकलती हैं, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और आप इसे ग्रैब करिए। हम तो आपके लिए जॉब वैकेंसीज लाते ही रहेंगे और आप अपने हिसाब से जो भी आपके नियर बाय सिटी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो दोनों वैकेंसीज हैं ये बेसिकली आकाश बायजूस के लिए हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, आई होप आपको विजिबल होगा। इसमें चार इनके कोहर्ट हैं जिसके लिए निकला है, मेडिकल, इंजीनियरिंग। मेडिकल मतलब जो आपका नीट होता है, इंजीनियरिंग मतलब जो आपका जेई एंड एडवांस होता है, एंड देन फाउंडेशन कोर्स जो है 9th एंड 10th का, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एंड सोशल साइंस। इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशंस भी मेंशन कर रखी हैं, आप देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें नीट के लिए तो इन्हें क्वालिफिकेशंस चाहिए PhD/MSc/MBBS/BDS या BTech, ठीक है, तो ये इनको चाहिए। इंजीनियरिंग के लिए MTech MSc BTech होना चाहिए आपको। फाउंडेशन 9th एंड 10th के लिए MSc BTech BSc, एंड इंग्लिश के लिए BA MA BSc MSc। जो स्लैश लगा है आई होप आपको पता होगा, इसका मतलब होता है ईदर, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको 2 ईयर्स प्लस होना ही चाहिए, इसमें कुछ भी प्रेफरेबल नहीं है, मैंडेटरी ही है कि 2 ईयर प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपने, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने घर पे ही ट्यूशंस पढ़ाए होंगे, राइट, आप ठीक है अप्लाई कर दो अगर आपने घर में ट्यूशंस पढ़ाए, बट आप वहां पे अपना पॉइंट जस्टिफाई कर पाओ, दैट इज माय पॉइंट। देन ये आपका वॉक इन इंटरव्यू है, आपको कहीं अप्लाई नहीं करना है ऑनलाइन, आपको जाना है, अपना इंटरव्यू देना है, रजिस्ट्रेशन वहीं होगा। तो ये जो वॉक इन इंटरव्यू है ये आपका 10 AM to 4 PM है। डेट्स हैं 1st April and 2nd April, दैट इज कमिंग सैटरडे एंड संडे आपका इंटरव्यू होगा। और ये इसमें इन्होंने सिटीज दे रखी हैं, आप देख सकते हैं लगभग 6 सिटीज़ हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, बेलगवी, त्रिची, थ्रिसुर एंड कैलिकट। तो आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एंड इफ आई एम रॉन्ग प्लीज़ यू नो इग्नोर माय एक्सेंट इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दीज सिटीज़ नेम रॉन्ग। एंड आप समझ गए होंगे, मैंने नेम यहाँ मेंशन भी कर दिया, स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। और हर एक सिटी के आगे, जैसे हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने एड्रेस लिख रखा है, बेंगलुरु के एड्रेस लिख रखा है, बेलगवी में एड्रेस लिख रखा है, त्रिची के लिए एड्रेस ले रखा है, थ्रिसुर के लिए एड्रेस लिख रखा है, कैलिकट के लिए भी एड्रेस लिख रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है इन्होंने, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको कैसे अप्लाई करना है, ये हो गई एक जॉब वैकेंसी जो इनकी इन 6 सिटीज में निकली है। एक इनकी ये वैकेंसी सेम कोहर्ट्स के लिए लुधियाना में भी निकली है, और ये जो है इनका लोकेशन है लुधियाना की, नीचे एड्रेस दे रखा है आप देख सकते हैं, April 1 and 2, एंड कॉन्टैक्ट नंबर साइड में दे रखा है, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें रिटन टेस्ट होगा एंड आपका एक डेमो होगा, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी, मतलब रिटन टेस्ट एंड डेमो, और उससे पहले एक स्क्रीनिंग राउंड ऑफ होगा आपका, लेकिन मेजर रिटन टेस्ट एंड डेमो के बेसिस पे ही आपको जज करेंगे। तो ये हो गया क्राइटेरिया, आप अपना डेमो प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे जिसमें आप अच्छे हो, वो आपसे पूछेंगे टॉपिक बाय डिफॉल्ट कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, बस आप जो पढ़ाइएगा अच्छे से पढ़ाइएगा, बिकॉज कनेक्ट होना स्टूडेंट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वही वहाँ पे चेक करेंगे आपका कि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को कितना अच्छे से समझा पा रहे हैं डिस्पाइट थ्योरेटिकली, क्योंकि एक्टिव लर्निंग होना चाहिए, रिटेंशन पावर अच्छी होनी चाहिए अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ लॉन्गेटिविटी के साथ आनी चाहिए। तो वही सब चीज़ें वो आपकी चेक करेंगे। अब हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे, इन जनरल हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, आप जो थोड़े से भी टेक्निकल क्वेश्चंस, आई कैन नॉट से टेक्निकल, बट थोड़े से जो भी आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप थोड़ा फंबल हो सकते हैं, उसमें आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें कॉन्फिडेंटली,
तो वी कैन हेल्प यू विद दैट. वी हैव थ्री वेज जिसमें आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. पहला है व्हाट्सएप नंबर जो नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, दूसरा है गूगल फॉर्म, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, फिल कर दीजिएगा, एंड थर्ड है टेलीग्राम चैनल. चैनल ज्वाइन करिए, रीसेंट जॉब अपडेट्स इंजॉय कीजिए एंड मॉक सेशन बुक कराइए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. आई होप आप लोग क्वेरीज रेज कर रहे होंगे, प्राइसेस देख रहे होंगे, आपको पता ही है कितने नॉमिनल हैं, तो ढेर सारी क्वेरीज रेज करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपका जॉब सिलेक्शन प्लस वन करा पाएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर करिए जो भी आपके फ्रेंड्स इन 7 सिटीज में हैं, जिससे वो अप्लाई कर सकें अगर उनका क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है तो. थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.